हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन बनाना सीखेंगे, जिसमें हम लोग आयत के आकार का एक व्हाइट पेपर लेते हैं, जिस आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। इस फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन की मदद से हम लोग विभिन्न प्रकार के चक्रों और श्रृंखलाओं को दिखा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, तितली का जीवन चक्र है। ये तितली है, तितली अंडे देती है, उससे कैटरपिलर बनता है, उसके बाद उसका प्यूपा या कोकून बनता है, अब उससे फिर तितली बनती है। ये जल चक्र है, जल चक्र में दिखाए हैं, ये जल का स्रोत है, जैसे नदी, नाला, समुन्द्र आदि। ये सूरज की रोशनी से ताप से वाष्पीकृत होता है और ऊपर की ओर जाता है। ऊपर जाने के बाद संघनन होकर के वो बादल के रूप में बदल जाते हैं, और वही बादल जब जल की बूंदों की मात्रा बढ़ जाती है, भारी हो जाती है, तो वर्षण होती है और पुनः वो जल हमारे पृथ्वी पर लौट आती है। ये एक आहार श्रृंखला है, जिसमें एक छोटा सा, जैसे कि ये घास है, घास को ये कैटरपिलर खाती है, कैटरपिलर को चूहा खाता है, चूहा को उल्लू खाता है। ऐसे कई प्रकार के आहार श्रृंखलाएं हो सकती है, जो चार चरणों में हम लोग उसको जो है, जो चार चरणों में संपादित होती हो, वैसे आहार श्रृंखलाओं को हम लोग फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन की मदद से सिखा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये पौधों का जीवन चक्र है। ये बीज है, बीज को जब नमी और आर्द्रता, नमी और ताप और हवा मिलती है, तो वो अंकुरित हो जाती है। अंकुरित के बाद वो एक नन्हा पौधा के रूप में विकसित होती है, फिर वही नन्हा पौधा एक वयस्क पौधा के रूप में विकसित होता है, और उसके बाद उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, और फल से पुनः बीज का निर्माण होता है, और पुनः बीज से वो इस तरह चक्र को पूरा करता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग किस तरह से बनाए हैं। जैसे ये देखिए, ये आहार श्रृंखला को दिखाता हुआ एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये घास है, घास को ये ग्रास ऊपर खाती है, ग्रास ऊपर को चूहा खाता है, फिर चूहा को उल्लू खाता है, और इस प्रकार चार चरण में संपादित होने वाले आहार श्रृंखला को हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। ये देखिए, जल चक्र को मैंने यहाँ दिखाया है। ये जल का स्रोत है, लेक है, वाटर है, मतलब सी है, ओशन है ना, समुन्द्र है, और नदी, नाला इत्यादि जितने भी जल के स्रोत है हमारे पृथ्वी में, वो जल है, और इसी को यहाँ हमने दिखाए हैं। इवेपोरेशन अर्थात जल का वाष्पीकरण, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ताप के द्वारा पानी भाप बन करके ऊपर उठती है, और वही भाप ऊपर जा करके ठंड होकर के, ठंडा होकर के बादल के रूप में एकत्रित होती है आकाश में, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, और उसी में जब जल की बूंदों की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो बादल और उस बूंदों को धारण नहीं कर पाती है, और वो पुनः जो है बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर वापस आती है, और फिर से वो जल के रूप में हमारे पृथ्वी में, समुन्द्र, लेक आदि में एकत्रित होते रहती है, और फिर वो वाष्पीकरण होता है, फिर वो कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद फिर वर्षण होता है। उसी प्रकार ये बीजों का जो, या पौधों का जो जीवन चक्र है, यहाँ देख सकते हैं, ये बीज है। बीज पहले सीडलिंग्स अर्थात अंकुरित होता है, जब उसमें नमी मिलती है, आद्र तापमान मिलता है और हवा मिलती है, तो उसके बाद वही एक नन्हा पौधा के रूप में विकसित होता है, फिर वही नन्हा पौधा बड़े वृक्ष या पेड़ के रूप में विकसित होता है, जिसके बाद उस पेड़ में फूल और फल आते हैं, और उस फल से फिर हमें बीज मिलती है, और बीज के द्वारा फिर बीजों का ये चक्र चलता रहता है, और बीज से फिर वो अंकुरित होता है, अंकुरित के बाद छोटा पौधा, उसके बाद फिर बड़ा पौधा। ऐसे ही कई प्रकार के श्रृंखलाएं या जो चक्र होते हैं, हम लोग विज्ञान में उसको इस फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन की मदद से हम लोग आसानी से उसको दिखा सकते हैं, और हमारा जो ये सीखने का जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल हो जाता है, हम लोग खेल खेल में इसको हम लोग सीख जाते हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन बनाना सीखेंगे? तो आज हम लोग इसको किस तरह से बनाया जाता है अभी बताएंगे। तो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन बनाने के लिए हम लोग एक व्हाइट पेपर लेते हैं,
आयत के आकार का होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं, ये एक आयत के आकार का पेपर है, इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। आप जितना बड़ा इसको लेंगे उतना ही बड़ा जो है आपका बनेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, ये जो चार्ट पेपर होता है उस चार्ट पेपर से जो है जो मैक्सिमम साइज का जो आयत बन सकता है वैसे आयत बनाया गया है, जिसमें लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर को बीच से इस तरह का ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद इधर से हम लोग बीचों बीच पेपर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। इतना फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग खोलेंगे, फोल्ड को अच्छी तरह से बनाएंगे और उस बीच के फोल्ड तक जो है किनारे से हम लोग इसको लाएंगे, इसको किनारे से ठीक बीच के लाइन तक लाएंगे। इधर भी वैसे ही हम लोग करेंगे, बस दोनों छोर जो है बीच में आपस में एक दूसरे को टच करेगा, इतना ही हमको करना है। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ बीच से मोड़ लिए, इसके बाद इधर से भी हम लोग इसको बीच से मोड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक है। पहले हम लोग बीच से मोड़े थे, उसके बाद उसको बीच के लाइन तक इधर से लाए हैं, उसी प्रकार इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच के लाइन तक लाएंगे। इस तरह हम लोग 3 फोल्ड अब तक कर चुके हैं, एक बीच में इस तरह मोड़े थे, फिर अब इधर से मोड़े हैं। अब इन तीनों जो मोड़ है फोल्डिंग है उसके बीच बीच में भी एक फोल्ड हम लोग करेंगे, और इस तरह से देखिए जैसे कि ये एक मोड़ था वहाँ तक हम लोग इसको लाएंगे। तो कुल मिलाकर के 8 बराबर बराबर वर्ग बनेंगे। ये इधर इधर हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद इधर भी हम लोग ये जो पहला ये जो साइड वाला मोड़ था वहाँ तक हम लोग इसको लाएंगे। इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बीच तक लाएंगे, ठीक बीचों बीच इधर एक मोड़ बन गया, इधर भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बीच तक लाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ये 8 हिस्सा में बटा हुआ है। ये पहला बीच का फोल्ड है, फिर हम लोग यहाँ फोल्ड किए थे, यहाँ फोल्ड किए थे अंदर की ओर ही, फिर इन दोनों के बीच में एक फोल्ड है, इन दोनों के बीच में एक फोल्ड है, इन दोनों के एक बीच में एक फोल्ड है और इन दोनों के बीच में एक फोल्ड है। कुल मिलाकर ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग है साइड साइड में, या 8 आयत हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक आयत हुआ, ये एक आयत हुआ, तो 8 बराबर आयत में हम लोग बीच की ओर सब में जो फोल्ड बनाए हैं वो बीच की ओर हम लोग मोड़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, इसको हम लोग इधर पलट लेंगे और पेंसिल और स्केल की सहायता से हम लोग कुछ लाइन इसमें हम लोग को ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिए आप लोग इसको पेपर को, हमने इसको पहले ही करके रखे हैं। जैसे ये बीच का लाइन दिख रहा है, बीच का किनारा है, किनारे का जो बीच का बिंदु है, यहाँ से एक छोड़ करके दूसरा स्केल एक छोड़ करके दूसरा आपको यहाँ से जो है स्केल से हम लोग पेंसिल से मिलाएंगे। फिर यहाँ से देखिए इसका जो नीचे वाला जो किनारा है इस कोना से इसके यहाँ तक पहले हम लोग मिलाए थे, अब हम लोग एक छोड़ करके यहाँ यहाँ तक हम लोग मिलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो था ये और ये एक छोड़ करके, फिर यहाँ से हम लोग लेंगे कोना से यहाँ भी किए करेंगे, तो यहाँ तक किए तो एक छोड़ करके यहाँ तक एक लंबा स्केल की आवश्यकता होगी और इस तरह से हम लोग इसको यहाँ से सीधे यहाँ तक मिलाएंगे। फिर यहाँ से किए थे एक छोड़ करके आप यहाँ से मिलाना होगा और यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ भी एक छोड़ करके दूसरा अल्टरनेटिवली जो है हम लोग को एक एक बिंदु को मिलाना है। फिर इसके बाद यहाँ से एक छोड़ करके यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाएंगे, फिर एक छोड़ करके फिर यहाँ से इधर का किनारे का बीच का बिंदु तक मिलाएंगे। वही काम हम लोग करेंगे अब इधर भी,
इस साइड भी हम लोग करेंगे, जैसे पहले हम लोग इधर वाला किए अब हम लोग इधर वाला करेंगे, जस्ट उसी के जैसा ही होगा। यहां से शुरू होते हुए एक छोड़ करके दूसरा तक, फिर ये यहां से ऐसे किए हैं, मतलब क्या करना है, यहां तक पहुंचा था तो एक छोड़ करके अगला, फिर एक छोड़ करके अगला, फिर एक छोड़ करके अगला, और इधर भी हम लोग जब करते जाएंगे तो यहां से पहले किए थे, फिर यहां से किए, फिर एक छोड़ करके, उसके बाद फिर एक छोड़ करके, इस तरह से हम लोग करेंगे। और इसके बाद क्या करना, जब लाइनिंग हो चुका रहेगा तो उसी लाइन के अलोंग जो है हम लोग को इसको मोड़ना है। देखिए ये पहला लाइन है, हम लोग इसको अंदर की ओर अर्थात नीचे की ओर हम लोग मोड़ेंगे, मोड़ करके उसको खोल देंगे। फिर देखिए ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन से भी हम लोग इसको मोड़ेंगे, फिर अगला जो लाइन है वहाँ से हम लोग मोड़ेंगे। जितना सारा लाइन है पेंसिल से हम लोग जो ड्रॉ किए हैं उन सारे लाइन को जो है इस तरह से मोड़ेंगे कि पेंसिल का जो लिखा हुआ जो लाइन है वो हमको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया, ये एक तरफ का हो गया, उसी तरह अब दूसरे तरफ का जो है उसको भी हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए एक के बाद एक ये सारे लाइंस जो हो रहे हैं एक तरफ से सारे जो हैं पैरेलल लाइंस हैं अर्थात समांतर रेखाएं हैं, तो ये हम लोग मोड़ चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ में से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक तरफ का एक ठो से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे इस किनारे से अगर देख रहे हैं तो ये पहला लाइन मतलब पहला जो आयत है उससे थोड़ा सा अधिक दूरी से हम लोग एक लाइन कर देंगे पेंसिल से या पेन से, और वहाँ से हम लोग इसको एक कैंची या हाथ से ही हम लोग उसको काट करके हटा देंगे। ध्यान रखिएगा एक पूरा आयत से थोड़ा सा ज़्यादा, उसको हाथ से भी अच्छा से हम लोग फोल्ड करके काट सकते हैं, नहीं तो कैंची से भी काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 पूरा पूरा आयत है, 1 2 3 4 5 6, और ये सातवां वाला जो है थोड़ा सा कम है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग उठाएंगे और उठा करके जो इधर का जो पूरा जो आयत है और इधर का थोड़ा कम है, इस कम वाले को पूरे के अंदर में इस तरह से हम लोग डालेंगे। जो कम वाला टुकड़ा है उसको जिधर पूरा है उसके अंदर में इस तरह से हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद ये देखिए कुछ प्रिज्म की आकृति में ये जो है हमारा बन चुका है। अब हम लोग ऊपर का देखिएगा, इस तरह का जो फोल्डिंग हम लोग बनाए थे ये पतला पतला जो त्रिभुज दिख रहा है उसको हम लोग अंदर की ओर मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको पलट देंगे और नीचे तरफ भी उसी तरह का छोटे छोटे त्रिभुज हैं ऊपर वाला, उसको हम लोग अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अंदर फोल्ड करेंगे जिस लाइन से हम लोग जो ये किए थे। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग धीरे धीरे जो है अंदर की ओर दबाएंगे। अंदर की ओर दबाने पर ये देखिए आप लोग, उसके बाद का एक समांतर चतुर्भुज है जो कि अंदर की ओर जो है फोल्ड हुआ है। जितना अच्छा से क्रीज को बनाएंगे, फोल्ड को जितना अच्छा बनाएंगे ये उतनी अच्छी तरह से बनेगा। फिर नीचे तरफ से भी हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है ये त्रिभुज के अंदर वाला जो है उसको हम लोग अंदर की ओर दबाएंगे। देखिए ये लगभग बन चुका है, इसको हम लोग इस तरह से किसी भी एक दिशा से हम लोग इसको अंदर की ओर दबाते जाएंगे तो ये इस तरह का फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन बन जाएगा। इसमें 6 भुजाएं हैं, इसको हम लोग हेक्सा फ्लेक्सागन भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 6 भुजाएं हैं। आप फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हम लोग
इस तरह दबाते हैं तो ये कुल मिलाकर के चार सतह जो है हमको इसमें दिखाई पड़ती है। जैसे ये एक सतह हो गया, फिर एक किए तो ये दूसरा सतह हो गया, ये तीसरा सतह हो गया और ये चौथा सतह हो गया। तो चार सतहों वाले और छह भुजाओं वाला ये फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन है। इसमें हम लोग तरह तरह के चक्रों को या श्रृंखलाओं को चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। बच्चे खूब रुचि के साथ इसको बनाते भी हैं, बना सकेंगे और जो उसको सीखने की है, जो जानकारी की चीज़ें हैं वो भी वो जो है बनाते बनाते सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये चक्र ये फ्लेक्सिबल फ्लेक्सागन को बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसे बनाइएगा और बना करके हमने जो चक्रों को या श्रृंखलाओं को यहाँ पर दिखाए हैं उनको उससे भी और कोई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग बना सकते हैं। ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये आपका सबसे पहले इधर से फोल्ड किए थे, फोल्ड करने के बाद ये लाइनिंग हम लोग कुछ इस तरह का बनाए थे, टोटल आठ फोल्ड था ऐसे। ये आठ फोल्ड में किस तरह से लाइन को हम लोग मिलाए हैं उसको हमने दिखाया है। ये कोना से या यहाँ से शुरू करते हुए पहले एक छोड़ करके यहाँ तक मिलाए हैं स्केल से, फिर यहाँ से एक छोड़ करके यहाँ तक मिलाए हैं, फिर यहाँ भी नीचे तरफ भी एक छोड़ करके, उसके बाद यहाँ से भी एक छोड़ करके इसको, ये आप देखिएगा ये समांतर होनी चाहिए। समांतर है तो समझिए सही है, अगर आपका समांतर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कहीं गलत है। इसको आप देख करके फिर से बना सकते हैं उसी तरह जैसे इधर का किए और यहाँ से इधर किए हैं एक छोड़ छोड़ कर, फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ का एक छोड़ कर, ऐसे ऐसे करेंगे जैसे ऊपर किए हैं सेम उसी तरह नीचे भी जाएगा। और लास्ट में जब हम लोग काटते हैं तो एक आयत से थोड़ा सा ज्यादा, एक आयत से थोड़ा ज्यादा से हम लोग इसको काटते हैं और फिर ये जो कटा वाला हिस्सा है इसको इधर वाले हिस्से में अंदर की ओर डाल देते हैं और उस प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों इसे आप लोग बनाइएगा और आहार श्रृंखला आप तो आप लोग बहुत सारा सीखे हैं, उसमें से हमने जो बनाया उसके छोड़ करके कोई दूसरे आहार श्रृंखलाओं को भी बनाइए। धन्यवाद।